अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो ये लेक्चर है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, दैट इज ऑन स्ट्रोक, और CMS का ये लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है एक अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन का डिफरेंस देखते हैं कि पहले तो अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन होता क्या है। ठीक है, उससे भी पहले हम ट्रैक्ट को देख लेते हैं। अच्छा, ये स्क्रीन पर आप सबको शो हो रहा होगा, ये मैं थोड़ा सा बाहर जो है ऊपर कर लूं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैंने जब लास्ट टाइम भी बात की थी तो मैंने यही बात की थी कि जो हमारा कॉर्टेक्स है, ये सबसे पहले मैंने ये पूछा था कि अपर मोटर न्यूरॉन कौन से होते हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन कौन से होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं सिर्फ क्रेनियल नर्व्स को साइड पे रख के कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं। ठीक है, जो हमारा कॉर्टेक्स है दैट इज अपर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा स्पाइन ब्रेन जब ब्रेन से जो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट आ रहा होता है, ये आपके सामने जो नजर आ रहा है, अब अभी तक ये सारा का सारा एक अपर मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, जब भी ये स्पाइनल कॉर्ड को टच कर जाएगा, किसी भी लेवल पे इसने टच कर लिया है, ठीक है, तो ये एक लोअर मोटर न्यूरॉन बन जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है, स्टार्ट करते हैं, ये है हमारा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में होते हैं हमारे पायरामिडल सेल्स, मोटर कॉर्टेक्स के अंदर पायरामिडल सेल से हमारे फाइबर्स निकलते हैं कोरोना रेडिएटा की फॉर्म में। कोरोना रेडिएटा की फॉर्म में निकलते हैं और वो जाते हैं पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल के अंदर। ठीक है, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल से वो आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर वो सबसे पहले मिड ब्रेन में जाते हैं, मिड ब्रेन से वो पॉन्स में जाते हैं, पॉन्स से फिर वो मेडल्ला में जाते हैं। और मेडल्ला में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अपर मेडल्ला और एक होता है लोअर मेडल्ला। लोअर मेडल्ला के लेवल पे जाके वो डिकसेट कर जाते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हमें ये पता है कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारी ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर हमारी लियन अबव द लेवल ऑफ लोअर मेडल्ला है, मतलब अपर मेडल्ला के लेवल पे है, पॉन्स के लेवल पे है, मिड ब्रेन के लेवल पे है, इंटरनल कैप्सूल के लेवल पे है, या मोटर कॉर्टेक्स पे है, तो कॉन्ट्रालेटरल साइड की बॉडी की वीकनेस आएगी। ठीक है, अभी ये चीज अगर किसी को क्लियर नहीं हो रही तो फिर आपको बताती हूँ, हमारा जो ब्रेन है वो ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये सेम साइड पे ही फाइबर्स आ रहे थे ना, फॉर एग्जाम्पल टेक दिस साइड, मतलब ये वाली जो यहाँ से पाथवे जा रही है एक साइड पे है। ठीक है, और अब होना तो ये चाहिए नॉर्मली कि जिस साइड की ली है ना उसी साइड पर ही वीकनेस आए, लेकिन क्योंकि ब्रेन ऑपोजिट साइड को कंट्रोल करता है तो डिकसेशन से ऊपर ऊपर कॉन्ट्रालेटरल साइड की वीकनेस आएगी। ये हो गया हमारा सारा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहीं पर एक बात करते हैं कॉर्टिको बल्बर ट्रैक की। बल्बर हम यूज करते हैं क्रेनियल नर्व्स के लिए। ठीक है, तो कॉर्टिको बल्बर, जब कॉर्टिकल फाइबर किसी क्रेनियल नर्व को टच कर जाएंगे, अगर टच नहीं किया उससे ऊपर ऊपर दे आर अपर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो क्रेनियल नर्व के न्यूक्लिया को टच कर जाएंगे दे विल बिकम लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अब होता यहाँ पर क्या है, अच्छा जो बातें मैं बता रही हूँ ना इसको नोट डाउन करते जाना, क्योंकि स्ट्रोक ऐसा टॉपिक है, ये आप जब प्रॉफ में पढ़ने के लिए खोलोगे, टेस्ट में पढ़ने के लिए खोलोगे, यू विल नीड अ वीडियो, यू विल नीड सम नोट्स टू जस्ट मतलब रिफ्रेश अप करने के लिए, आपको फ्रेशन अप करने के लिए अपने नॉलेज को कुछ चाहिए होगा, तो ये लिखते जाना। अब एक बात याद रखो कि जो कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट है ना, मतलब हर क्रेनियल नर्व को दोनों कॉर्टेक्स से फाइबर जा रहे होते हैं, मतलब इतना अच्छा अलग वाला ने ये पॉइंट बना दिया है ना कि आप यहाँ से लोकलाइज कर सकते हो लियन को। हर सिंगल क्रेनियल नर्व को, चाहे वो ऑल्फैक्टरी है, वो ट्रॉक्लियर है, एब्ड्यूसेंट है, ट्राइजेमिनल है, हर क्रेनियल नर्व को लेफ्ट और राइट कॉर्टेक्स दोनों से फाइबर जा रहे होते हैं। ठीक है, सिवाय एक क्रेनियल नर्व के, दैट इज फेशियल नर्व। ठीक है, हर क्रेनियल नर्व को दोनों साइडों से फाइबर जाएंगे, मतलब अगर एक डैमेज हो भी गया कॉर्टेक्स का फाइबर तो दूसरी तरफ से उसको जा रहे होंगे, तो वो बच जाएगी अपर मोटर न्यूरॉन में।
ठीक है, लेकिन जो फेशियल नर्व है वो एक ऐसा न्यूक्लियस है उसका, कि उसके न्यूक्लियस के दो पार्ट हैं। अपर पार्ट ऑफ द फेशियल नर्व के न्यूक्लियस को फाइबर्स दोनों तरफ से जा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो लोअर पार्ट है फेशियल नर्व का, उसको कॉन्ट्रालेटरल कॉर्टेक्स से फाइबर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ द फेशियल नर्व न्यूक्लियस जो है वो इज लाइक एनी अदर क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, ठीक है, उसको दोनों हाफ ऑफ द कॉर्टेक्स से फाइबर जा रहे होंगे, लेकिन लोअर पार्ट ऑफ द फेशियल नर्व न्यूक्लियस जो है उसको कॉन्ट्रालेटरल साइड से फाइबर जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह हम बेल्स पाल्सी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये एक तो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट हो गया और एक कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट में बस ये बातें याद रखनी है कि क्रेनियल नर्व को दोनों तरफ से फाइबर जा रहे होते हैं सिवाय एक फेशियल नर्व के लोअर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस को। ठीक है, बस आपने इसमें ये वाली बातें याद रखनी है। अब आ जाता है ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, यस, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है बेसिकली वो हमारी सारी मूवमेंट, मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा कॉर्टेक्स है, ठीक है, वो इनहिबिटरी सिग्नल्स भेज रहा होता है ताकि ये जो ओवर एक्साइटमेंट हो में जाकर बहुत ज्यादा मूवमेंट ना हो जाए स्पाइनल कॉर्ड से, उसको लिमिट में रख रहा होता है। ठीक है, उसको कंट्रोल कर रहा होता है स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन। ठीक है, तो अब होगा क्या जब हमारे पास, अच्छा, दोनों अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन की जब भी वीकनेस लीन होगी, बॉडी की वीकनेस ही आएगी हमेशा। ठीक है, देर आर अदर साइंस जिसकी बेस पे हमने इनको डिफ्रेंशिएट करना है, वो क्या है, जब अपर मोटर न्यूरॉन की लीयन होगी, ठीक है, तो लोअर मोटर न्यूरॉन तो इंटैक्ट है ना। अभी हम बात कर रहे हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीयन की। ठीक है, तो लोअर मोटर न्यूरॉन तो अपना काम कर रहे हैं, और लोअर मोटर न्यूरॉन के ऊपर से चेक खत्म हो जाएगा। जब वो चेक खत्म हो जाएगा तो लोअर मोटर न्यूरॉन बहुत एग्जेजरेशन में काम करेंगे, एग्जेजरेट हो जाएंगे, एग्जेसरबेट होकर काम करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, रिफ्लेक्सेस जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे अपर मोटर न्यूरॉन लीयन की वजह से, टोन जो है उसकी हाइपरटोनिसिटी में चले जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और एट्रोफी, एट्रोफी यूजुअली अपर मोटर न्यूरॉन लियन में आती नहीं है क्योंकि लोअर मोटर न्यूरॉन काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वीकनेस होती है दोनों लियंस में, तो जब किसी बॉडी पार्ट की वीकनेस होती है ना, तो हम उसको यूज करना छोड़ देते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं डिसयूज एट्रोफी। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने एक स्टार सा बनाया हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें ट्रॉफी होती है लेकिन उसको कहते हैं डिसयूज ट्रॉफी। ठीक है, और फिर उसके बाद है लोअर मोटर न्यूरॉन लियन। अब लोअर मोटर न्यूरॉन लियन तो सारा काम कर रहे थे, ठीक है, तो लोअर मोटर न्यूरॉन लियन जब उनका डैमेज हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे फाइबर्स, तो सब कुछ फ्लैसिडिटी में चला जाएगा, रिफ्लेक्सेस डिक्रीज हो जाएंगे, टोन डिक्रीज हो जाएगी, एट्रोफी आएगी, फेसिकुलेशंस आएंगी, और वीकनेस तो ऑब्वियसली आएगी उसके अंदर। ठीक है, ये हो गया अपर मोटर न्यूरॉन लियन में और लोअर मोटर न्यूरॉन में डिफरेंस, और कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक का पता चल गया आपको, कॉर्टिको बल्बर ट्रैक का पता चल गया आपको। ठीक है, और अब हम चलते हैं स्ट्रोक की तरफ। ठीक है, हम चलते हैं डेविडसन के चैप्टर के ऊपर। डेविडसन का पेज नंबर है 1150, पेज नंबर है 23rd एडिशन का, और उस पे आपका ये मेंशन है स्ट्रोक। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको करना शुरू करते हैं।
ये फंक्शनल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में उन्होंने सारे लोब्स का बताया हुआ है। बेसिकली स्ट्रोक है क्या, ठीक है, स्ट्रोक है जब भी सेरिब्रल ब्लड फ्लो, जो आपको पता है कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इनसे सप्लाई जारी होती है, जब भी उसकी डिस्ट्रक्शन होगी तो ब्रेन सेल्स की डेथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डेथ ऑफ ब्रेन सेल्स रिजल्टिंग इन अक्यूट ऑनसेट ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स। ठीक है, तो किसी भी जिस भी ब्रेन के पार्ट की ब्लड सप्लाई लॉस होगी, उस ब्रेन के पार्ट का जो है फंक्शन लॉस होना शुरू हो जाएगा, उसको कहते हैं स्ट्रोक। अब स्ट्रोक जो है, यहाँ पर ये जो बना हुआ है एक फिगर बनी हुई है, फिगर नंबर 26.1, अ क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रोक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि स्ट्रोक दो तरह का होता है, आर्टीरियल और वेनस। जो आर्टीरियल है वो 99% से ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब 99% टाइम जो है वो आर्टीरियल स्ट्रोक होगा। आगे उसको हमने इनफार्क्ट में डिवाइड किया हुआ है और हेमरेज में डिवाइड किया हुआ है। 85% ऑफ द टाइम्स देयर विल बी हेमरेजिक सॉरी इनफार्क्ट होगा एज कम्पेयर टू हेमरेजिक स्ट्रोक। इनफार्क्ट में भी एंटीरियर कैरोटिड सर्कुलेशन आ जाती है और पोस्टीरियर सर्कुलेशन, तो एंटीरियर सर्कुलेशन का स्ट्रोक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा कॉमन है साइट ऑफ द लियन में। फिर उसके बाद टैक्स, जिसे हम टोटल इंटीरियर सर्कुलेशन, जब एक मेन आर्टरी इन्वॉल्व हो जाएगी, पार्शल जब उस आर्टरी की कोई ब्रांच इन्वॉल्व हो जाएगी, लेकुनार जब एक छोटा सा मतलब लोकलाइज सा एरिया इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेम एज वेनस में एग्जिस्ट करती हैं चीजें। ठीक है, और हेमरेज के अंदर सबरेकिनाइट ब्रेन ब्रेन पैनेंकाइमा का भी हेमरेज हो सकता है, ये इसलिए आपने इसको याद रखना। अब आपको ना मैं कुछ बातें बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी आपने जब जो है वो करना है इसको, जब आपने इसको लोकलाइज करना होता है, क्वेश्चन को लोकलाइज करना होता है या लियन को लोकलाइज करना होता है, तो ये वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स हैं। मतलब ये कि एक स्ट्रोक का पेशेंट आपके पास किस तरह से प्रेजेंट करेगा। ठीक है, पहली बात तो हमने कर ली वीकनेस, बॉडी की वीकनेस के साथ तो उसने प्रेजेंट करना ही करना है, वो अपर लिम की वीकनेस भी हो सकती है, वो लोअर लिम की वीकनेस भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली क्योंकि हमारे ब्रेन का एक पार्ट अगर इन्वॉल्व होगा तो वो कॉन्ट्रालेटरल साइड को सप्लाई कर रहा होता है, तो हाफ साइडेड बॉडी की वीकनेस के साथ जो है वो बंदा प्रेजेंट करता है। तो यूनिलेटरल वीकनेस इज द क्लासिकल प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रोक। ठीक है, कोई भी आपके पास पेशेंट यूनिलेटरल सडन यूनिलेटरल वीकनेस के साथ आगे है, तो आपने सबसे ऊपर अपने डिफरेंशियल में स्ट्रोक रखना है। ठीक है, फिर आपको पता है कि अब आपने ये देखना है कि ये लियन, अगर पता चल गया स्ट्रोक है, फिर आपने देखना है ये लियन कॉर्टेक्स में है, ये लियन इंटरनल कैप्सूल में है, ये लियन आपकी मिड ब्रेन में है, ये पॉन्स में है या ये मेडल्ला में है, ये कैसे पता चलेगा। अब ये आपने मेरी बात सुननी है कैसे, आपकी ब्रेन कॉर्टेक्स के अंदर देर आर सम एरियाज, वर्निकी एरिया कहते हैं उसको, ब्रोकास एरिया कहते हैं, स्पीच का एरिया। ठीक है, ये दो एरियाज इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये आपको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि ब्रोका एरिया आपके मडल्ला में तो नहीं पड़ा हुआ, ना पॉन्स में पड़ा हुआ है, ना मिड ब्रेन में पड़ा हुआ है, वो कॉर्टेक्स में पड़ा हुआ है। तो जब भी पेशेंट बॉडी वीकनेस के साथ और स्पीच डिस्टर्बेंस के साथ आ गया है, थिंक कि इसको कॉर्टेक्स में लियन है। ठीक है, ऑलवेज थिंक कि इसको कॉर्टेक्स में लियन है, डिस्पेजिया के साथ या डिसआर्थ्रिया के साथ आके। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्सीपिटल लोब का अगर लियन है, तो फिर हो सकता है वो विजुअल डेफिसिट के साथ वो प्रेजेंट करे बॉडी वीकनेस के साथ साथ। ठीक है, इसी तरह विजुअल स्पेशल डिसफंक्शन, ये भी आपके कॉर्टेक्स का ही फंक्शन है। ठीक है, अभी आप देखो किसी क्रेनियल नर्व की बात नहीं आई, और एक बात हमने पहले ही कर ली है कि बॉडी वीकनेस हमेशा कॉन्ट्रालेटरल साइड की होती है। ठीक है, लेकिन क्रेनियल नर्व आपकी सेम साइड की इन्वॉल्व होती है। ठीक है, मतलब होगा, अब हमने कॉर्टेक्स की बात कर ली ना, कॉर्टेक्स की बात आपको समझ आ गई, इसके अलावा अगर लियन इंटरनल कैप्सूल में है या पॉन्ज में मेडल्ला में है, वो कैसे पता चलेगा। दोबारा से स्टार्ट करते हैं, अगर लियन कॉर्टेक्स में है तो कैसे पता चलेगा कि स्पीच का एरिया डैमेज होगा या विजुअल एरिया डैमेज होगा, और कोई मसला नहीं होगा उसको। ठीक है, और हो सकता है उसको अपर मोटर न्यूरोन की फेशियल वीकनेस हो,
अपर मोटर न्यूरॉन की अगर फेशियल वीकनेस होगी तो हमारी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा ठीक रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले फेशियल नर्व न्यूक्लियस को दोनों साइड्स ऑफ कॉर्टेक्स से फाइबर आ रहे थे, लेकिन नीचे वाले हिस्से को कॉन्ट्रालेटरल साइड से फाइबर्स आ रहे होते हैं, इसलिए कॉन्ट्रालेटरल साइड की वीकनेस होगी। अब अगर हम इंटरनल कैप्सूल पे चले जाएं, अगर इंटरनल कैप्सूल के लेवल पे लीन होगी तो आप देखना कि इंटरनल कैप्सूल के लेवल पे कॉर्टेक्स कितना फैला हुआ है और इंटरनल कैप्सूल कितना छोटा सा है, तो सारे फाइबर्स एक डेंस हो जाते हैं, एक ही जगह से गुजर रहे होते हैं। तो जब इंटरनल कैप्सूल के लेवल पे होगी देयर विल बी नो ब्रोकास एरिया इन्वॉल्वमेंट, कोई विजुअल एरिया इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन वो क्या होगा कि डेंस हेमिप्लेजिया होगा कॉन्ट्रालेटरल साइड का, और कुछ भी नहीं होगा। फिर जब मिड ब्रेन पे चले जाते हैं, मिड ब्रेन पे आपके पास थर्ड क्रेनियल नर्व आ जाती है, ठीक है। तो ऑकुलर मूवमेंट्स अगर आपके डिस्टर्ब हैं सेम साइड की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट मिड ब्रेन की वीकनेस है, तो होगा क्या, लेफ्ट साइडेड आई की वीकनेस होगी और कॉन्ट्रालेटरल साइड की बॉडी की वीकनेस होगी, क्योंकि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक मिड ब्रेन में से भी तो गुजर रहा है ना, और हमने बात की थी अपर मडला से ऊपर ऊपर तक, लोअर मडला से ऊपर ऊपर तक कॉन्ट्रालेटरल साइड की बॉडी की वीकनेस आती है और क्रेनियल नर्व सेम साइड की इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि कॉन्ट्रालेटरल बॉडी की वीकनेस और सेम साइड की फेशियल नर्व की थर्ड क्रेनियल नर्व की वीकनेस, इसे कहते हैं क्रॉस्ड हेमिप्लीजिया। तो ब्रेन स्टेम में जब भी लीन होगी तो क्रेनियल नर्व तो सेम साइड की होगी और बॉडी वीकनेस दूसरी साइड की होगी, तो एक क्रॉस बन रहा होगा, मतलब ऑपोजिट साइड पे लीन आ रही होंगी, तो इसे कहते हैं क्रॉस्ड हेमिप्लीजिया। फिर उसके बाद पॉन्स में चले जाएं तो पॉन्स में हमारे पास 5, 6 और 7 नर्व पड़ी होती है, ठीक है। तो उसके साथ साथ अगर आपको 5 और 6, 7 नर्व की कोई लीन मिल रही है, सेम साइड की वीकनेस है, मतलब आई की कोई एब्ड्यूसर नर्व, लेटरल रेक्टस का मसला है, या लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल नर्व का प्रॉब्लम है सेम साइड पे, तो ऑपोजिट साइड की बॉडी वीकनेस है, तो ये पॉन्स में लीन है। मडला में 9, 10, 11, 12 क्रेनियल नर्व आ जाती है, इससे आप लोकलाइज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने ये देखना है कि जब 7th क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा तो देयर विल बी लोअर मोटर न्यूरॉन वीकनेस, और वो क्या होती है, वो सेम साइड का पूरा आधा फेस इप्सिलेटरल साइड पे वीक हो जाता है। लेकिन जब अपर मोटर न्यूरॉन जो कि कॉर्टेक्स में इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक फेशियल नर्व ही ऐसा न्यूक्लियस है जिसको ऑपोजिट साइड से फाइबर जा रहे होते हैं, तो वो कॉन्ट्रालेटरल साइड का लोअर पार्ट ऑफ द फेस इन्वॉल्व होगा जब कॉर्टेक्स में होगा, ठीक है। इस तरह से आपने डिफ्रेंशिएट करना है लियंस को। अब स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स देयर आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, ये ना एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। फिक्स्ड रिस्क फैक्टर्स में ऑब्वियसली एज आ जाती है, जेंडर आ जाता है, फैमिली हिस्ट्री आ जाता है, जो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। मॉडिफाइबल में आप अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है, पेशेंट को लिपिड प्रोफाइल डैमेज है, पेशेंट का डिस्टर्ब्ड है, पेशेंट डायबिटिक है, और पेशेंट को हार्ट डिजीज है, तो दैट आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। ये सारी चीजें जो हैं वो स्ट्रोक को कंट्रीब्यूट करती हैं। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी में हमने कहा कि हमने पढ़ना है दो तरह की पैथोफिजियोलॉजी हो सकती है, एक इन्फार्क्शन, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और दूसरी है हेमरेज उसका, ठीक है। हेमरेज ये आपके ऑस्पी में आते हैं, ठीक है। अब हेमरेज जो है ना, इनमें आपने फर्क ये याद रखना है, इन्फार्क्शन में और हेमरेज के अंदर। इन्फार्क्शन जो है वो है इस्कीमिया, वो आहिस्ता 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 डिवेलप कर रहे, ठीक है, उसको वीक्स लग सकते हैं, उसको डेज लग सकते हैं। हेमरेज क्या है, विद सडनली विद इन आवर्स पेशेंट प्रेजेंट करता है आपके पास, ऑब्वियसली कोई वेसल रप्चर हुई है तो वो सडनली प्रेजेंट करेगा आपके पास, ठीक है। जो इन्फार्क्शन है ना, वो आपको ब्लैक नजर आता है सीटी स्कैन पर या एमआरआई पे, ठीक है, और जो हेमरेज है ना, जो ब्लड है, वो आपको व्हाइट नजर आएगा, व्हाइट एरिया नजर आएगा, ठीक है। ये मैं आपके ग्रुप में भी आपको सीटी स्कैन भेज दूंगी। इससे क्या पता चलता है, जब भी स्ट्रोक का आपके पास पेशेंट आ जाए, सबसे पहले उसका सीटी प्लेन कराना है आपने, ठीक है। ये फर्स्ट एमसीक्यू है प्रॉफ का, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सीटी प्लेन कराना है आपने उस पेशेंट का। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स कैसे पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है आपके पास, ये उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बोथ अक्यूट स्ट्रोक एंड ट्रांजिएंट इस्केमिक आर कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ऑनसेट, फोकल डेफिसिट और ब्रेन फंक्शन, ठीक है। हमने बात की है कि पेशेंट को अभी आपने लोकलाइज करना है क्वेश्चन देख के, कि हाफ साइडेड बॉडी वीकनेस है, कोई उसको स्पीच डिस्टर्बेंस हो रही है, अपर
मोटर न्यूरॉन टाइप, वो फेशियल नर्व का न्यूक्लियस डैमेज हो गया है, अपर मोटर न्यूरॉन लिया ना, तो इसका मतलब है लियन कॉर्टेक्स के अंदर है. ठीक है, ये है क्लिनिकल फीचर्स में, बस आपको यही बताएंगे. अच्छा, फिर देयर आर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रोक, उसके अंदर आ जाते हैं स्ट्रोक मिमिक्स. स्ट्रोक मिमिक्स जो स्ट्रोक जैसे हो लेकिन स्ट्रोक ना हो, ठीक है, उसमें फंक्शनल और स्ट्रक्चरल आ जाते हैं. स्ट्रक्चरल स्ट्रोक में मिक्स कौन से आएंगे, हो सकता कोई ट्यूमर है ब्रेन का लोकलाइज जो कि उस एरिया को फोकल डेफिसिट्स दे रहा है, ठीक है, कोई मेटास्टेटिक सेरिब्रल ट्यूमर्स हैं, हीमाटोमास हैं, ठीक है. फंक्शनल के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया, उसमें भी पेशेंट बॉडी वीकनेस के साथ प्रेजेंट करता है. एपिलेप्टिक सीजर्स के बाद जो पेशेंट टॉर्ड्स पैरालिसिस में चले जाते हैं वो भी वीकनेस के साथ प्रेजेंट करते हैं. एनकेफलाइटिस का पेशेंट, मेनिंजाइटिस का पेशेंट, ये सारी जो है ये स्ट्रोक में मिक्स है. लेकिन 26.4 में इन्होंने डिफरेंसेस बता दिए हैं कि स्ट्रोक में मिक्स में डिफरेंसेस क्या आते हैं. स्ट्रोक जो है सडन ऑनसेट होता है, स्ट्रोक में मिक्स का स्लोअर ऑनसेट होता है, ठीक है. सिम्टम प्रोग्रेशन जो होती है रैपिडली होती है स्ट्रोक की, उसकी ग्रेजुअल ऑनसेट होता है. स्वेरिटी जो होती है अनसर्टन होती है स्ट्रोक में मिक्स की, मतलब बहुत पता नहीं होता कि कभी बहुत ज्यादा होती है कभी कम होती है. और पैटर्न और डेफिसिट जो है, देयर विल बी हेमीस्फेरिक पैटर्न, ऑलमोस्ट ऑलवेज हाफ साइडेड बॉडी की वीकनेस होती है एक साइड की, ठीक है. और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होती स्ट्रोक के अंदर इतनी ज्यादा, ठीक है, स्ट्रोक में मिक्स के अंदर हो सकती है. अच्छा, दिस इज सीटी स्कैन शोइंग इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज. मैंने आपको बताया था ना, ये देखो ये वाला जो एरिया है वाइट का, इसमें भी नजर आ रहा है, बी में भी, इसमें भी, ये यहाँ पर नजर आ रहा है हमारे बेजल गैंग्लिया के अंदर, एक ए के अंदर, ये भी वाइट एरिया है, ये हेमरेज है. हेमरेज हमेशा वाइट नजर आता है, ठीक है. अच्छा, फिर देयर आर सेवरल टर्म्स जो कि इंपॉर्टेंट है. उसके अंदर आता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक. ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक का मतलब है कि पेशेंट को बॉडी वीकनेस हुई लेकिन वो आफ्टर 24 विद इन 24 आवर्स जो है वो रिलीव हो गई, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया. इसे कहते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स. फिर उसके बाद है स्ट्रोक. अगर स्ट्रोक उसको कहते हैं जो मोर देन 24 आवर्स जो है रहे, ठीक है. प्रोग्रेसिंग स्ट्रोक किसको कहते हैं, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता डेफिसिट जो है ना, फोकल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट, वो बढ़ता जाए, वर्सन होता जाए. कंप्लीटेड स्ट्रोक कहते हैं जिसमें प्रोग्रेस नहीं करते, उसमें ऑलरेडी कंप्लीट हो गई होती है सारी की सारी वीकनेस. फिर उसके बाद आते हैं ये क्लिनिकल सिंड्रोम्स के ऊपर. इसमें टैक्स, लैक्स और पैक्स के बारे में बताया हुआ है. टैक्स कहते हैं टोटल इंटीरियर सर्कुलेशन सिंड्रोम को, ठीक है. टोटल इंटीरियर सर्कुलेशन सिंड्रोम कहते हैं या तो कोई मेन आर्टरी मेजरली इन्वॉल्व हो जाए, मिडल सेरिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व हो जाए, या फिर इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इन्वॉल्व हो जाए. अब ये याद रखो कि जो हमारा लेग का एरिया है ना, आपको पता ना ब्रेन पे मोटर होमंकुलस बना होता है, लेग का एरिया मीडियली आ रहा होता है और हमारा फेस आर्म का एरिया जो है वो लैटरली आ रहा होता है. जो लैटरल एरिया है उसको मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है और जो मीडियल एरिया है उस जो लेग एरिया है उसको इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करती है. तो टैक्स में हमारे पास मिडल सेरिब्रल आर्टरी की क्लूजन होती है, पैक्स में उसकी ब्रांच की क्लूजन होती है, ठीक है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की. लैकुनार में कहीं लोकलाइज थ्रोम्बस बन सकता है, ये देखो लोकल सा बना हुआ है ना, गोल सा, इसको कहते हैं. अच्छा, फिर आती है हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस की कंप्लीट लिस्ट आ जाती है. सबसे पहले हमने न्यूरो इमेजिंग में जाना है. न्यूरो इमेजिंग में, इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमने सीटी स्कैन कराना है, ठीक है. ये है प्रॉफ का एमसीक्यू है. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है प्लेन सीटी कराना है, ठीक है. प्लेन सीटी में आपको पता चल जाएगा कि ये इन्फार्क्शन है, हेमरेज है या क्या है, ठीक है. सीटी स्कैन कराने के बाद ये टेबल इन पे वापस हम आते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद ये कुछ इंडिकेशंस भी बताई हुई हैं उन्होंने 26.7 में, ये आपने याद कर लेनी है, ठीक है. और सीटी स्कैन पे वो कहते हैं अगर पेशेंट आपके पास इस्कीमिया का आया है ना, तो मे भी हो सकता है वो उस पे आपको विद इन 24 आवर्स विजिबल ना हो, तो उसके लिए आप MRI करा सकते हैं. लेकिन MRI जो है वो MRI एज कंपेयर टू सीटी स्कैन बहुत ज्यादा सुपीरियर है, ठीक है, टू सीटी स्कैन. लेकिन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, तब तक पेशेंट की डेथ हो सकती है, तो आपने सबसे पहले सीटी प्लेन कराना है, MRI भी करवा सकते हैं. वास्कुलर इमेजिंग क्यों करानी होती है, वास्कुलर इमेजिंग में सीटी एंजियोग्राफी, MR एंजियोग्राफी आ जाती है, डॉपलर आ जाता है इसके अंदर, ठीक है. और ये आपने एथेरोस्क्लेरोसिस को, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को रूल आउट कराने के लिए करानी होती है, ठीक है.
और कुछ कार्डियक इन्वेस्टिगेशंस है उसके अंदर पेशेंट की, सबसे पहले क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन का पेशेंट है ना, तो ईसीजी पे आपको उसकी वो मिलेगी इरेगुलरली इरेगुलर पल्स और वो जो एबसेंट पी वेव्स मिलेंगी, एट्रियल फिब्रिलेशन मिल सकती है आपको ईसीजी पे, इसलिए आपने ईसीजी करानी है पेशेंट की, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक का. फिर उसके बाद देयर इज अ यूक्यू इन प्रॉफ जिसमें वो कहते हैं कि कॉजेज एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ अक्यूट स्ट्रोक इन यंग पेशेंट्स बताने आपने. ठीक है, तो यंग पेशेंट्स के अंदर क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं. यंग पेशेंट्स के अंदर कोई आपके पास वो हो सकता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो सकती है, वेस्कुलाइटिस हो सकता है, कोई इंजाइम डिसऑर्डर्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें आपने करानी है. फिर उसके बाद थ्रोम्बोफीलिया हो सकता है, होमोसिस्टिन यूरिया हो सकता है, ये सारी चीजें जो हैं आ जाती हैं यंग पेशेंट्स के अंदर. तो आपने इसके अंदर से कोई 5-6 याद कर लेनी और आपने तब लिख देनी है. ठीक है, कोई ड्रग की वजह से हो सकता है. ये जो चीज है ना इमरजेंसी मैनेजमेंट 26 पॉइंट, अब मैनेजमेंट पे हम चले जाते हैं. इन्वेस्टिगेशन में हमने सीटी स्कैन की बात कर ली, ईसीजी की बात कर ली, वेस्कुलर इमेजिंग की बात कर ली, अब हमारी है आ जाती हैं इन्वेस्टिगेशंस. अच्छा, सबसे पहले आपने ये तो कर लिया, इन्वेस्टिगेट करके कर लिया, तो अब आपने करना है उसको मैनेज. ये इंपॉर्टेंट है. आपने क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रोक बना लिया, उसके बाद आपने उसकी न्यूरो इमेजिंग कराई. न्यूरो इमेजिंग में आपको पता चला इस्केमिक है या हेमरेजिक है. हेमरेजिक में तो आपने जो काम करना है वो हम एंड पर डिस्कस करेंगे. मेन जो चीज है वो है इस्केमिक स्ट्रोक. फिर आपने उसको देखना है कि क्या उसकी रिपरफ्यूजन थेरेपी हो सकती है. ठीक है, रिपरफ्यूजन थेरेपी यूजुअली ना हमारे सेटअप में बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि पेशेंट जो है वो बहुत डिले बहुत देर बाद आता है. ठीक है, तो अगर तो हो सकती है तो सबसे पहले आपने पेशेंट को थ्रोम्बोलाइज करना है, थ्रोम्बोलाइसिस करनी है उसकी. अगर नहीं हो सकती तो फिर एस्पिरिन देनी है. तो अब आपने ठीक है, और फिर उसके बाद अक्यूट स्ट्रोक यूनिट में उसका पूरा कॉज और पूरा वर्कअप करना है. अब हम चलते हैं इसकी ट्रीटमेंट के ऊपर. ये है हमारी रिपरफ्यूजन थेरेपी. रिपरफ्यूजन थेरेपी का इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर बहुत ज्यादा रोल है. रिपरफ्यूजन थेरेपी में हमारे पास थ्रोम्बोलिटिक्स आ जाते हैं, थ्रोम्बोलाइसिस जो करते हैं उसके अंदर हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज, एल्टीप्लेज, एरेल्टीप्लेज, ये सारे ड्रग्स आ जाते हैं. ठीक है, बट देर आर सर्टन कॉन्ट्रा इंडिकेशन. तो अगर तो पेशेंट ऑलरेडी ब्लीडिंग रिस्क है उसको, ठीक है, और हेमरेज हुआ है या एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे है, तो फिर हम उसको थ्रोम्बोलाइसिस नहीं कर सकते, फिर हमने उसको हमेशा एस्पिरिन ही देनी है. लेकिन अगर आपके पास पेशेंट विद इन 4.5 आवर्स ऑफ सिम्टम आ गया है, तो आपने सबसे पहले थ्रोम्बोलाइज करना है. अगर पेशेंट 4.5 आवर्स के बाद आया है, तो फिर आपने पेशेंट को एस्पिरिन देनी है इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रा इंडिकेशन. ठीक है, फिर एस्पिरिन दे दी. बस आपने ये दो मेन चीजें याद रखनी है कि एस्पिरिन 4.5 आवर्स के बाद देनी है, विद इन 4.5 आवर्स आपने थ्रोम्बोलाइज करना है. हेपरिन का इतना ज्यादा रोल रहा नहीं है, तो एंटीकोगुलेशन हेपरिन आपने पास्ट में की जाती थी, लेकिन अब आपने उन पेशेंट्स को देनी है जो एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट्स हैं. ठीक है, आपने उन पेशेंट्स को ये देनी है. फिर उसके बाद आपने पेशेंट की रिस्क फैक्टर्स की मैनेजमेंट स्टार्ट कर देनी है. रिस्क फैक्टर्स के मैनेजमेंट में पेशेंट का हाइपरटेंशन कंट्रोल करना है, पेशेंट का लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल करना है, पेशेंट का डायबिटीज कंट्रोल करना है. ठीक है, ये सारी चीजें आपने उसके अंदर कंट्रोल करनी है. और बल्कि मैं ये सारी चीजें आपको बता भी देती हूँ इसके अंदर, यहाँ पर लिखा होगा. यस, सेकेंडरी प्रिवेंशन अगर गुड है तो फिर उसके बाद आप पेशेंट का स्ट्रोक जो है वो अवॉइड कर सकते हो. ठीक है, फिर जिस तरह आप पेशेंट आर्टेरियल फिब्रिलेशन पे हैं, तो आपने उसको वारफरिन के ऊपर लगा देना है. ठीक है, ताकि आप उसका ओरल कोगुलेशन स्टार्ट कर देनी है पेशेंट को, और वारफरिन पे लगा देना है. पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल करना है. ठीक है, और पेशेंट का बीपी जो है लिपिड प्रोफाइल है उसको नॉर्मल करना है. ये सारी चीजें सेकेंडरी में आ जाती हैं. फिर कुछ लोगों को जो स्ट्रोक हुआ होता है वो अथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से
यहाँ के रोटेड आर्टरी की मतलब को रोटेड आर्टरी का डॉक्टर कराते हैं, उसमें कोई आपको स्कीमिया मिलता है या उसमें कोई नॉर्मेलिटी मिलती है तो उसके लिए आप केरोटेड एंडारटेक्टोमी कराते हो या एंजियोप्लास्टी कराते हो, ठीक है, जहां से स्टेनोसिस हुआ होता है उस पार्ट को कट करते हो और बाकी रिमेनिंग पार्ट को स्टेंट डाल के जो है वो ज्वाइन कर देते हो, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि देर आर सर्टन अनयूजुअल कॉजेज, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने इतना याद रखना है, एक ये आपने कैरोटिड एंडारटेक्टोमी इसके अंदर से याद करनी है, सेकेंडरी प्रिवेंशन याद करना है, और ये जो डब्बा बना हुआ है ना ये वाला 26.11, आपने ये अच्छे से याद करना है। फिर आती है हमारे पास सपोर्टिव केयर, ठीक है। सपोर्टिव केयर क्या होती है कि जो स्ट्रोक का पेशेंट है ना वो इन सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट कर सकता है, एपिलेप्सी के साथ प्रेजेंट करेगा तो पेशेंट को एंटी कन्वल्सेंट्स देने हैं, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी में जा सकता है पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट्स देने हैं, इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा चांस होता है क्योंकि पेशेंट बेड रेस्ट पे चला जाता है, यूरिनरी इन्फेक्शन क्योंकि कैथेटराइजेशन की होती है तो एंटीबायोटिक्स प्रेशर सोर्स, तो पेशेंट को आफ्टर एवरी 2 आवर्स नर्सिंग केयर देनी है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का चांस बहुत बढ़ जाता है तो पेशेंट को एंटीकोगुलेशन जो है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है, ये सारी चीजें आपने इसके अंदर करनी है। ये था आपका सारा स्ट्रोक का, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक है सब रेकिनॉइड हेमरेज, सब रेकिनॉइड हेमरेज में जो चीज याद करने वाली है ना उसके बारे में 3 बातें बताती हूँ। सब रेकिनॉइड हेमरेज भी सडनली प्रेजेंट करता है, सब रेकिनॉइड हेमरेज जो है जो एरेपाया और एरेकिनॉइड जो स्पेस है उसके अंदर हेमरेज होता है, ठीक है, तो मनिंजीज को इरिटेट करता है, तो मनिंजिज्म के साइंस, मनिंजाइटिस के साइंस भी इसके अंदर आ रहे होते हैं, वो नेक स्टिफनेस हेडेक वगैरह वाले फीवर वाले, ठीक है। लेकिन ये हेमरेज होता किस वजह से है, हाई बीपी की वजह से, तो पेशेंट आपके पास साइंस ऑफ मनिंजाइटिस के साथ विद रेज्ड ब्लड प्रेशर ओवर 180/100 के साथ प्रेजेंट करता है और सडन थंडर क्लैप हेडेक ऑफ मतलब लाइफ के साथ, सडन सिवियर हेडेक, द मोस्ट सिवियर हेडेक ऑफ लाइफ कहीं पर भी आ गया ना तो दैट इज सब रेकिनॉइड हेमरेज, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि सब रेकिनॉइड हेमरेज जो सर्कल ऑफ विलस है उसको इन्वॉल्व करता है, द मोस्ट कॉमन साइट्स हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इसके अलावा मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, इनकी आपने जो है वो याद करनी है। कॉजेस क्या हो सकते हैं, अगर तो पेशेंट को सेकुलर एनरिजम्स हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी है, कोई कंजेनिटल कनेक्टिव टिश्यू जैसे एहलर डेनलॉस सिंड्रोम है, मार्फन सिंड्रोम है, इसकी वजह से सब रेकिनॉइड हेमरेज हो सकता है, ठीक है। और क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, सडन सुवियर थंडर क्लैप हेडेक के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, रेज्ड ब्लड प्रेशर होता है, नेक स्टिफनेस और पेन हो सकती है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको साइंस बता दी है इसके साथ पेशेंट ने प्रेजेंट करना है। और ये जो थर्ड नर्व पाल्सी है ना, लोकल प्रेशर ऑफ एनरिज्म की वजह से ना पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी पे प्रेशर पड़ता है और थर्ड क्रेनियल नर्व पाल्सी के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, इसमें भी आपने सीटी ब्रेन कराना होता है, ठीक है। इसमें आप लंबर पंक्चर भी कराते हो, लेकिन ये पूछा जाता है लंबर पंक्चर कराना कब है, आफ्टर 24 आवर्स ऑफ सिम्टम्स ऑनसेट कराना होता है ताकि आपको ब्लड उसके अंदर मिले भी, ठीक है, जेंथोक्रोमिया कहते हैं उसको, और ये 2 चीजें आपने इसके अंदर करानी है। अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट है इसका, एक तो सपोर्टिव केयर आपने उसका बीपी कंट्रोल करना है और वेजोस्पाज्म को प्रिवेंट करने के लिए निमोडिपीन देनी है, ठीक है, और सब रेकिनॉइड हेमरेज जो आर्टरीज में होता है उसमें आप कॉइलिंग करते हो, प्लाटिनम कॉइल्स डालते हो इंटू एनोरिज्म, या हम सर्जिकल क्लिपिंग ऑफ एनोरिज्म कर देते हैं, ठीक है, तो उससे अर्ली और लेट उसकी जो रिकरेंस है बार बार जो अगर उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है, बस ये 2-3 ट्रीटमेंट। अब बाकी अगर रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसके लिए आपने पेशेंट का हेड एलिवेट है, बेड हेड ऑफ द बेड हेड साइड जो है वो एलिवेट कर देनी है और पेशेंट को मैनिटॉल देना है और पेशेंट को स्टीरॉयड दे सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, ये सेरिब्रल वेनस डिसीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी डिटेल में उन्होंने ना सेरिब्रल जो स्ट्रोक है ना उसकी सेकेंडरी प्रिवेंशन बताई हुई है, इसको भी एक दफा हम लोग देख लेते हैं। उन्होंने कहा है इस्कीमिक स्ट्रोक है, हमने ईसीजी कराई, साइनस रिदम है, ठीक है, नॉर्मल है, अगर एट्रियल फिब्रिलेशन है तो हमने रूल आउट करना है थायराइड फंक्शन टेस्ट करा के और ईसीजी को रूल आउट करना है, और फिर हमने अगर वो कॉज है तो फिर हमने उसको ट्रीट करना है, कार्डियोवर्जन एंटी रिदमिक्स देने हैं, अगर साइनस रिदम है तो एंटी प्लेटलेट ड्रग स्टार्ट करा देने उसको, ठीक है, कैरोटिड कराना है, कैरोटिड में स्टेनोसिस हुआ हुआ है तो कैरोटिड एंडारटेरेक्टोमी करा देनी है।
और पेशेंट को एंटीकोगुलेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करानी है। अब ये सारा था इस्कीमिक स्ट्रोक का, ठीक है। लेकिन अगर हेमरेज आ गया है, पेशेंट का प्रेजेंटेशन विद इन 2 आवर्स की है, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में उन्होंने आपको बता दिया कि हेमरेज हुआ है पेशेंट को, ठीक है, या सीटी पे आपको व्हाइट एरिया मिल रहा है, ब्राइट एरिया मिल रहा है, तो उसका बस ट्रीटमेंट है बीपी को लोअर करना, ठीक है, और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप उसमें इस्कीमिया वाला ट्रीटमेंट नहीं देते उसके हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर। अगर आप इस्कीमिया वाला ट्रीटमेंट दोगे तो वो हेमरेज के रिस्क को और इंक्रीज कर देगा, और बाकी फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। ये था सारा आपका स्ट्रोक का। और इसके अलावा अगर आपको इसमें से कोई चीज पॉइंट ना समझ आए, वो आप लोगों ने मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, और ये आपको आज इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी भेज दूंगी।